नमस्कार दोस्तों, एक गंभीर मुद्दे पर मैं आज आपको सामने कुछ बातें रखूंगा कि आदमी की औकात क्या है, आदमी क्या है, आदमी का जीवन क्या है। बात कड़वी हो सकती है लेकिन पूर्णतः सच है, इस बात को देख लीजिएगा। एक माचिस की तिल्ली और एक लोटा घी और लकड़ियों के एक ढेर में कुछ घंटे में राख हो जाएगा, बस इतनी सी औकात आदमी की है। नंबर दो, एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया। उसने पूरी जिंदगी परिवार के नाम करके अपने लिए कुछ नहीं किया। उसके मरने के बाद कहीं रोने की सुपगाहट तो कहीं हल्की हल्की फुसफुसाहट। जल्दी ले जाओ, कहां रात को रखोगे। एक रात भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बस इतनी सी औकात है आदमी की। मरने के बाद जब नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे, कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। नहीं रहा, चला गया। चार दिन तक बात करेंगे, एक अच्छी सी तस्वीर बनाएंगे, उस तस्वीर पर एक फूलों की माला चढ़ाएंगे, उसको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे, उसकी एक फोटो अखबार में भी छपवाएंगे एक भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ। और कुछ दिनों बाद उस तस्वीर से जाले भी कोई छुड़ाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बस आदमी की इतनी सी औकात है। जिंदगी भर मेरा मेरा क्या, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा जिया। कोई ना देगा साथ, जाएगा खाली हाथ, जिसको तीन का भी साथ ले जाने की औकात नहीं है, बस आदमी की इतनी औकात है। क्योंकि समाज का ये नियम है कि या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बस इतनी सी औकात है आदमी की। लेकिन आदमी इस बारे में सोचता ही नहीं है, झूठ छल फरेब करके अपनों के लिए किए जा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं करता है लेकिन अपनों के लिए करता है। सौ चाला की करे, सौ झूठ बोले, सौ तरह की बातें बनाए, अपने के लिए करता है। उस ईश्वर में इतना आस्था रखता, उस ईश्वर के चरणों में इतना काम करता तो शायद नजारा कुछ और हो सकता था। इसलिए मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि उस ईश्वर की सत्ता में रहे। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, खाली ही हाथ जाएगा। काहे के लिए मरा मरा करता है, काहे के लिए मरा मरा फिरता है। हाँ, इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें पूरा जरूर करना चाहिए, लेकिन ईश्वर की सत्ता में रहकर उसके चरणों में भी ध्यान लगाना जरूरी है। वक्त रहते सचेत जाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।